जहां एक तरफ खबरें थी कि संजय दत्त और सलमान खान 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ऐसी ही खबरें जानी मानी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के लिए भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उर्मिला कांग्रेस की टिकट पर मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उर्मिला ये चुनाव मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगी। हालांकि जब मीडिया ने उर्मिला उनके परिवार वालों और नजदीकियों से संपर्क साधने की कोशिश की और इस बारे में जानना चाहा, तो हर किसी ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी इस बारे में कोई भी बात करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गौर कीजिए कि सूत्रों का ये दावा है कि उर्मिला मातोंडकर का नाम पार्टी में काफी आगे जा चुका है और कांग्रेस के लिए उनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी फिलहाल बाकी है। बता दें कि मुंबई की जिस सीट से उर्मिला मातोंडकर का नाम सामने आ रहा है, उस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी से होगा। उर्मिला अगर इस सीट से चुनाव लड़ती है, तब एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस गढ़ को शुरुआत से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है और सांसद गोपाल शेट्टी को इस गढ़ का वफादार नेता। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।